हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बात करेंगे हम अनुप्रास अलंकार के बारे में, जहां व्यंजकों को आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए इसके आइए उदाहरण देखते हैं। ख, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल ठुल में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस काव्य के अंदर जो है च जो व्यंजक है वो बार बार आ रहा है, जिससे कि इस ऐसे अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से अब हम ख उदाहरण देखते हैं। विमल वाणी में वीणा ली। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि जो व है वो उसमें बार बार आया, जो कि पीले डब्बे से आपको दिखा रखा है। तो ऐसे जो अलंकार होते हैं जिसमें कि व्यंजन की बार बार आवर्ती होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं।